हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग CMAT जो हम लोग का सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें हम लोग यूनिट नंबर नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर नंबर 6, ठीक है। यूनिट नंबर 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है निर्माण श्रमिक, निर्माण श्रमिक, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है। यहाँ से भी चांस है आपके कीबोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन हम जो बात करेंगे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, जो हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्शन का, वो आपका बेसिकली होगा किसी सिविल से रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, डैम हो सकता है, रोडवेज हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, जो भी आप जानते हो सिविल के कंस्ट्रक्शन के तौर पे, वो आपका उसमें कंसिडर हो सकता है। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले जो छोटे छोटे टर्म हैं उनको समझेंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्ट तो कर ही दिए हम लोग, लेकिन जो इसमें छोटे छोटे टर्म हैं उसको पहले हम लोग समझते चलेंगे। जो मेन मेन टॉपिक है उसको हम बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके BT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं, ठीक है, या फिर BT एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, श्रम क्या कहलाता है, ठीक है। सबसे पहला जो आपके दिमाग में ये बेसिक चीज़ कि श्रम क्या होता है, श्रम, ठीक है, श्रम क्या होता है या फिर जो श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जो श्रम होता है आदमी खुद करता है, उसको मेहनत करता है, ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मानसिक रूप से हो। हम कह सकते हैं शरीर अथवा मस्तिष्क से काम लेते हुए मस्तिष्क से काम लेते हुए लेते हुए कोई कार्य करना, कोई कार्य करना, ठीक है, कोई कार्य करना आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है श्रम, ठीक है। भाई जो श्रमिक लोग होते हैं वो श्रम करते हैं, शारीरिक तौर पे भी करते हैं और मानसिक तौर पे भी, ठीक है। जो उनका जो पर डे का काम है, ठीक है, आपको पता है कि कहीं भी सिविल प्रोजेक्ट होता है तो उसमें क्या है कि बहुत सारे श्रमिक लोग क्या होते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और शायद बहुत ही धूप में या फिर कोई बरसात जो भी होता है अपना, तो जहाँ भी जैसा काम होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, श्रमिक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, तो श्रमिक कर रहा है। श्रम तो हो गया भैया जो शारीरिक और मानसिक रूप से काम लेते हुए कोई कार्य करना हो गया, लेकिन श्रमिक क्या होता है, ठीक है, श्रम करने वाला ही जनरली क्या होता है, ठीक है, श्रम करने वाला ही क्या होता है, श्रमिक कहलाता है, ठीक है, श्रम करने वाला ही क्या होता है, श्रमिक कहलाता है,
क्लियर। और आपको बता दें जो निर्माण कार्य होता है वो दोनों प्रकार का श्रम करना पड़ता है, ठीक है। निर्माण कार्य में क्या होता है, हम जनरली क्या होते हैं, दोनों प्रकार का श्रम करते हैं, शारीरिक तौर पे भी और मस्तिष्क तौर पे भी, ठीक है। और बेसिक सी बात है भाई, कोई इंसान अगर काम नहीं करेगा तो क्या खाएगा पिएगा, उसके बदले में कुछ भैया उसको जीवन यापन के लिए कुछ तो मिलता है, तभी तो काम करता है। तभी भी कह सकते हैं कि आदमी जीवित रहने के लिए हर प्राणी को जनरली क्या होता है, मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, ठीक है, क्लियर। ओके, अगला बात आता है, जैसे जो मजदूर काम करते हैं आपके, ठीक है, जो मजदूर आपके काम करते हैं उनको जो दिहाड़ी दी जाती है, पैसा जो दिया जाता है उनको, उनको दो टाइप से दिए जाते हैं, या तो उनको दिहाड़ी दैनिक मतलब जो भी होता है, ठीक है, या फिर वो मासिक पे रखा है, महीने के हिसाब से रखे जाते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये जो उनको पैसा मिलता है, ठीक है, श्रमिक को, तो श्रमिक में भी क्या है, दो टाइप के हैं, ठीक है, श्रमिक में भी क्या है, दो टाइप के हैं, ठीक है, श्रमिक में भी क्या है आपका, दो टाइप के हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि जो कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ श्रमिकों को हम लोग, या फिर जो कह सकते हो कि जो सिविल निर्माण पर जो कार्य करते हैं कुशल अकुशल श्रमिक, ठीक है, उनकी जो दहाड़ी बनती है मतलब जो पैसा बनता है उनका, एक तो दहाड़ी बेसिस पे बनता है, ठीक है, एक तो दहाड़ी बेसिस पे बनता है, और एक रूप से क्या है, या तो फिर मासिक तौर पर बनेगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दैनिक श्रमिक और नियमित कर्मचारी में क्या डिफरेंस होता है, तो हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब एक नोट है आपके पास छोटा सा, एक नोट है छोटा सा आपके पास, नोट है कि जो राजमिस्त्री होते हैं, जो राजमिस्त्री होते हैं या लोहार होते हैं या फिर जो भी बढ़ई होते हैं या फिर पेंटर होते हैं, ठीक है, वेल्डर होते हैं, ठीक है, या मजदूर होते हैं, इतने जितने भी हैं और भी हो सकते हैं इसमें शामिल श्रमिक, ठीक है, ये जितने भी आपके श्रमिक दिखाई दे रहे हैं आपके, ये सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक निर्माण करते हैं, किसी काम का क्या करते हैं, लोग वास्तविक निर्माण करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। ये लोग कैसा करते हैं, ये लोग एक्चुअली में वास्तविक निर्माण करते हैं, कैसा, वास्तविक निर्माण करते हैं, ठीक है, वास्तविक निर्माण करते हैं, क्लियर। चलिए ठीक है, ओके। अब बात आती है कि भैया ये लोग तो वास्तविक निर्माण करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क्या करेंगे, आपके श्रमिकों के कार्य पर नज़र रखते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो श्रमिकों के कार्य पर नज़र रखते हैं। तो श्रमिकों के कार्य पर नज़र रखते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, ठीक है, जो श्रमिकों पर नज़र रखते हैं, नज़र रखते हैं वो लोग कौन कौन हो सकते हैं भाई, वो लोग हो सकते हैं आपके निरीक्षक हो सकते हैं, निरीक्षक हो सकते हैं, ठीक है, प्रभारी हो सकते हैं, प्रभारी हो सकते हैं, अभियंता हो सकते हैं, अभियंता हो सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि श्रमिक तो अपने तरह से जो भी काम करता, लेकिन उन पर नज़र बनाए रखना कि आपका काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, क्लियर। या फिर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा काम हो रहा हो गड़बड़ हो रहा है, तो उन सब केसेस में अपने कार्य को क्या होता है थोड़ा देखना पड़ता है। ठीक है, तो श्रमिक कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो उन पे हम लोग क्या करते हैं थोड़ा, तो जितने भी लोग अधिकारी गण हैं, ठीक है, ये जितने लोग अधिकारी गण हैं, ये लोग क्या करते हैं, जितने भी अधिकारी गण लोग हैं, लोग क्या करते हैं, इस पर निगरानी बनाए रखते हैं कि श्रमिक क्या कर रहा है। और होना भी चाहिए कि भाई जब तक हम बीच बीच में, ठीक है, काम पे निगरानी नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका काम कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ दिक्कत हो सकता है। तो इन केस अगर हम उसी समय किसी चीज़ का निरीक्षण कर लें अगर, ठीक है, उसी समय अगर हम किसी चीज़ का निरीक्षण कर लें या फिर इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका स्पेसिफिकेशन उसको चेक कर लें, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो आपका आगे का वर्किंग कंडीशन होगा, ठीक है, जो आगे का वर्किंग कंडीशन होगा वो आपका अच्छा होगा। लेकिन अगर आप नज़र नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अगर कोई फॉल्ट आता है तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना मेरी बातों को। अगर इनकेस अगर कोई काम में, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर कोई काम है, मान लीजिए आपके पास एक काम है, तो इस काम में आपको क्या होगा, दिक्कत ये होगा अगर आपने सही समय से उसको चेक पड़ताल नहीं किया, जांच पड़ताल नहीं किया, या सही समय से उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ठीक है, या फिर उसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको चेक नहीं किया, तो जो आपका वर्किंग कंडीशन होगा अगर इनकेस उसमें कोई दोष आता है, ठीक है, इनकेस उसमें कोई दोष आता है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत में पड़ जाते हैं जब तक वो दूर नहीं हो जाता है। तो दूर करने के लिए आपको पता है ये कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में क्या करना पड़ता है, अपनी चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी अधिकारी लोग होते हैं, एज अ जो भी आपका सिविल इंजीनियर होगा साइट पे, या फिर जो भी क्या करते हैं अपने काम पे, ज़्यादा बीच बीच में जा कर के थोड़ा सा देखना पड़ता है, ठीक है, नज़र बनाए रखना पड़ता है। इसी के आगे ये बताया गया कि जो आपके निर्माण श्रमिक होते हैं, जो निर्माण श्रमिक होते हैं, ठीक है, जो निर्माण श्रमिक होते हैं वो जनरली उनको दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, उनको दो वर्गों में हम लोग बांटे हैं, ठीक है। चलिए, पहला आपका वर्ग है दहाड़ी, कह सकते हैं इसको दहाड़ी, दहाड़ी या दैनिक श्रमिक, या दैनिक श्रमिक, ठीक है, क्लियर। और दूसरा आपका जो होता है, दूसरा आपका जो होता है नियमित कर्मचारी होता है, नियमित कर्मचारी होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम समझते हैं जो दैनिक श्रमिक होता है वो क्या होता है, जो आपका नियमित कर्मचारी होता है वो क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि दैनिक श्रमिक में, या जो दैनिक दिहाड़ी श्रमिक होते हैं उन पे, और जो नियमित रेगुलर जो आपके कर्मचारी होते हैं उनमें क्या अंतर है, ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ, इसमें जो आपका होता पहला दैनिक श्रमिक,
दैनिक श्रमिक, ओके, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। दैनिक श्रमिक जो होते हैं, हम जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तभी हमको क्या करते हैं, काम के लिए रखते हैं। बात समझना मेरी, जो आपके दैनिक श्रमिक होते हैं या जो दहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, ठीक है, उनको हम तभी रखते हैं जब उनकी आवश्यकता पड़ती है, और कार्य समाप्ति पर क्या होती है, इनकी छुट्टी भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं दैनिक श्रमिक जब आवश्यकता होती है, जब आवश्यकता होती है तभी रखे जाते हैं, ठीक है, तभी रखे जाते हैं। और जैसे ही काम समाप्त होता है, ठीक है, और जैसे ही काम समाप्त होता है इनको क्या किया जाता है, इनकी छुट्टी कर दी जाती है, ठीक है, इनकी छुट्टी कर दी जाती है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गया होगा। और इनको जो दहाड़ी मिलती है, जो पैसा मिलता है, प्रतिदिन की दर से मिलता है, ठीक है, जो इनको पैसा मिलता है काम करने का, इनको प्रति प्रति प्रतिदिन की दर से मिलता है, ठीक है, प्रतिदिन की दर से मिलता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और मजदूरी उन्हीं दिन की मिलेगी, ठीक है, इस चीज को और ध्यान दीजिएगा, मजदूरी सिर्फ उन्हीं दिन की मिलेगी जिस दिन ये क्या होंगे, वास्तविक रूप से जो काम किए होंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना। मजदूरी उनको उसी दिन की मिलती है जिस दिन क्या होते हैं, या आप जो वास्तव में काम करते हैं उस दिन का, ठीक है, क्लियर। और इनको जो होता है, संडे को छोड़ दिया जाए, ठीक है, संडे को छोड़ करके किसी दिन भी इनको छुट्टी नहीं मिलती है, या फिर इनको उस दिन का जो पैसा होता है, तब जो भी काम करेंगे नहीं वही पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है, यानी कि संडे को भरे छुट्टी ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जो दैनिक श्रमिक होते हैं वह उनका क्या मतलब प्रोसेस है, क्या उनका पर डे का किस हिसाब से उनको पैसा मिलता है, ठीक है, क्यों कब रखा जाता है कब नहीं रखा जाता है, ये अब बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड जिसका नाम है नियमित कर्मचारी, ठीक है, नियमित कर्मचारी, ओके। इसका क्या मतलब है नियमित कर्मचारी का, जैसा कि नाम तो स्पष्ट है कि इनको पूरी परियोजना की अवधि के लिए नियुक्त की जाती है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, इनको जो है नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, किसी पूरी परियोजना की अवधि के लिए, ठीक है, किसी पूरी परियोजना 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 अवधि के लिए अवधि के लिए, ठीक है, यानी कि जब तक आपका प्रोजेक्ट चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि भैया कोई भी आपको पता है कि कोई प्रोजेक्ट बनता है तो भाई
इनिशियल टू फाइनल उसके बीच में कुछ ना कुछ ड्यूरेशन तो लगता है ना, समय लगता है ना। जैसे मान लीजिए आपने प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पे ख़त्म हुआ, कोई प्रोजेक्ट है आपका और कोई प्रोजेक्ट है पी, स्टार्टिंग आपका यहाँ से हुआ, स्टार्ट यहाँ हुआ और आपका फिनिश जो है समाप्त आपका यहाँ पर हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो भी आपका प्रोसेस चला, जितने भी एक्टिविटी चली उनके बीच कुछ ना कुछ समय लगा होगा, ठीक है। टाइम, इसी टाइम को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, अवधि बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अवधि बोलते हैं। इस बात को आप लोग समझ चुके होंगे, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, अवधि बोलते हैं, ठीक है। ओके, और इनको जो वेतन मिलता है, नियमित कर्मचारी को इनको जो वेतन मिलता है मासिक दर से मिलता है। वेतन जो होता है, वेतन मिलता है किस दर से? तो वेतन मिलता है किस दर से? तो मासिक दर से, ठीक है। मासिक दर से, ठीक है, मासिक दर से इनको वेतन मिलता है। क्लियर है? और इस प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो कर्मचारी होते हैं वह जनरली सारी चीज़ों के हकदार होते हैं, चाहे वो छुट्टी हो या कोई सुविधा हो, सबके लिए क्या होते हैं, हकदार होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक, ओके। और आपको बताया कि जो श्रमिक वर्ग होता है और राष्ट्र का गौरव भी होता है, क्यों होता है भैया गौरव? इसलिए क्योंकि क्योंकि वह देश का निर्माण करता है, ठीक है, ईमानदारी से, लगन से, निष्ठा से, मेहनत से, ठीक है। ओके, ठीक है, चलिए चलिए। अब बात करते हैं कि भारत में जो निर्माण श्रमिकों की जो स्थिति इस समय है वो कैसा है, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत में जो निर्माण श्रमिक जो मजदूर काम करने वाले होते हैं उनकी दशा जो इस समय बहुत दयनीय है, और इस समय कुछ ज़्यादा ही दयनीय है, ठीक है, इस समय कुछ ज़्यादा ही दयनीय है। 2020-21-19 जो भी चल रहा है सीजन आपका, ठीक है, क्योंकि इनको न्यूनतम दरों पर रखा जाता है। दिक्कत ये है कि जो काम करते हैं उनके हिसाब से जो पैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है, ठीक है। इनको क्या करते हैं, इनको न्यूनतम दरों पे काम कराया जाता है, ठीक है। ओके, अच्छा, ठीक है, चलिए, बढ़िया, समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्थिति तो है खराब है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जितने मजदूर जनरली होते हैं वो जनरली कहाँ से बिलोंग करते हैं, गांव से आते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे कम होते हैं, ठीक है, उनको जो भी काम दिया जाता है वो काम करने में पीछे भी नहीं हटते हैं, वो करते हैं। लेकिन उनका जो वास्तव में जो काम करने के हिसाब से उनको वेतन मिलना चाहिए, जो सैलरी मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। ओके, इसलिए आपको पता है कि उनके ध्यान में रखते हुए कि उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, ठीक है, उनको कोई प्रकार का दिक्कत ना होने पाए, तो उनके लिए बहुत अधिनियम भी लागू हुए हैं, ठीक है। जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, श्रमिकों की जो दशा को सुधारने के लिए, दशा को सुधारने के लिए, ठीक है, सुधारने के लिए तथा उनके हितों का ख्याल रखने के लिए तथा उनके हितों का ख्याल रखने के लिए बहुत पहले से अनेक अधिनियम भी देश में लागू हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था शायद इसी यूनिट में, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कुछ
कुछ अधिनियम जो श्रमिक के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, इसी यूनिट में पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है, क्लियर। चाहे वो मतलब पेमेंट को लेकर के अधिनियम बनाओ, या फिर न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाओ, या ट्रेड यूनियन अधिनियम बनाओ, ठीक है, ये सब के सब जितने भी आपके होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो है श्रमिक पर लागू कर सकते हैं और उनकी जो दैनिक स्थिति है उसको हम लोग सुधार सकें, ठीक है, कि दैनिक स्थिति को हम लोग क्या कर सकें, सुधार सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो श्रमिकों को देय मजदूरी होती है वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे बात होती है, मैं आपको बता दूं, वही कोई भी श्रमिक क्या होता है, काम करता है और उसी श्रम के बदले उसको क्या होता है, मजदूरी मिलता है, ठीक है। हम कह सकते हैं किसी श्रमिक को, किसी श्रमिक को उसके द्वारा किए गए श्रम के बदले श्रम के बदले उपयुक्त धन देना, धन देना श्रमिक की मजदूरी कहलाता है, ठीक है। भाई कोई भी श्रमिक क्या होता है, जब मेहनत करता है तो उसके बदले में जो आपका मौलिक होता है उनका, उसके बदले में क्या कहता है, उनको मेहनताना देता है, ठीक है, ठीक है, ओके। और आपको मैं बता दूं कि मजदूर जो होते हैं, जो श्रमिक होते हैं और जो श्रम मतलब जो ओनर होते हैं, ठीक है, जो उनके स्वामी होते हैं, जो काम कराते हैं, जिनको जिनके बदले में पैसा देते हैं, इनके बीच में थोड़ा सा जो है आपस में कह सकते हैं कि इस प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। क्योंकि आपको पता है श्रमिक जितना काम करता है, जितना स्वामी बोलता है कि ये काम होना चाहिए, श्रमिक उतना काम करता है, ठीक है। क्यों करता है भैया, इसलिए करता है कि उसको बदले में क्या मिल रहा है, उसके बदले में आपको मिल रहा है पैसा, ठीक है, मनी मिल रहा है। अगर ये मनी ना मिले स्वामी द्वारा, सिर्फ भुगताना मिले, तो सही बात है कि ये वास्तव में काम नहीं करेगा, क्योंकि जो उसकी नीड्स है वो एक्चुअली में वो है मनी। मनी से क्या है, उसका जो भी अपना खर्चा है, जो भी आपका नीड्स है इंसान का, वो क्या करता है, उसको पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं क्या है, दिक्कत है, ठीक है। आपको बताया कि जो मालिक होता है श्रमिकों से चाहता है कि हम कितना काम ले लें, ठीक है। जो स्वामी होता है, मालिक जो होता है, वो सोचता है कि श्रमिकों से हम कितना काम करा लें, ठीक है। और श्रमिक भी क्या करता है भैया, वो भी सोचता है कि हम काम करके पूरी मजदूरी प्राप्त कर लें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कंडीशन बनता है काम करने और कराने का, इसके बीच में थोड़ा सा एक कड़ी आती है कि हम दोनों को समझें कैसे, एक दूसरे को समझने का भी प्रयास। कभी कभी क्या होता है, जब तक हम दोनों को नहीं समझ पाते हैं, दूसरे को, श्रमिक और स्वामी को, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव होने की वजह से काम में क्या होता है, थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है, काम बन नहीं पाता आपका, ठीक, ओके। तो ये बात आपका हो गया कि जो आपका मजदूरी होता है, क्यों मिल, भाई कोई श्रमिक काम करता है तो उसके बदले में वो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो काम करना चाहता है, ऐसा नहीं है, काम करने के बदले में उसको जो मिलना चाहिए वह उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं भैया वो काम में क्या है, चाहे उस काम के प्रति उसका इंटरेस्ट नहीं जगेगा, इसका उसका जो उसमें जो श्रमिक जो काम करना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर उसके बदले में अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो काम नहीं करना चाहेगा और स्वामी करा भी नहीं पाएंगे, ये सही बात है, वो नहीं करेगा भाई, आपस में समन्वय नहीं बन पाएगा, कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो पाएगा काम, ठीक है, ओके।
अब आती है देह मजदूरी के प्रकार। मजदूरी के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेजेस। इसको हम लोग जनरली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला सामान्य मजदूरी, सामान्य मजदूरी और सेकेंड है आपका सुखकर मजदूरी। सुखकर मजदूरी, ठीक है, सुखकर मजदूरी, ठीक है। पहला आपका सामान्य मजदूरी, तो नॉमिनल बेसिस कहते हैं, और या वेतन भी कह सकते हैं, मजदूरी या वेतन जो भी कहना चाहो, ठीक है, वेतन भी कह सकते हैं या सुखकर मजदूरी। तो सबसे पहले जानें कि सामान्य मजदूरी क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे सामान्य मजदूरी क्या होता है। ठीक है, सामान्य मजदूरी क्या होता है? तो भाई जो श्रमिक करेगा, ठीक है, जो श्रमिक करता है काम, उसके बदले में कुछ ना कुछ धन मिलता है उसको। तो जो नगद धन मिलता है, ठीक है, मजदूरी के बदले, वही आपका सामान्य मजदूरी कराता है। तो हम कह सकते हैं श्रमिक को श्रम के बदले, श्रमिक को श्रम के बदले जो मजदूरी नगद धन के रूप में दी जाती है, जो जो मजदूरी नगद नगद धन के रूप में दी जाती है, दी जाती है, उसे ही हम जनरली क्या बोलते हैं, सामान्य मजदूरी बोलते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, किसी प्रकार का कोई भी अन्य भत्ता या लाभ सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब बात आती है सुखकर मजदूरी क्या होता है। इसमें देखिए, किसी प्रकार कोई भी लाभ, कोई भी भत्ता सम्मिलित नहीं है, लेकिन जो सुखकर मजदूरी होगा उसमें कहीं ना कहीं आपके जो इससे भी सुविधाएं या जो भी लाभ होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, दूसरा आपका है सुखकर मजदूरी। सुखकर मजदूरी, ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है, क्या होता है आपका मजदूरी के अतिरिक्त, मजदूरी के अतिरिक्त के अतिरिक्त श्रमिक को दिए जाने वाले, श्रमिक को दिए जाने वाले अन्य लाभ व सुविधाएं, अन्य लाभ व सुविधाएं, लाभ व सुविधाएं क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार, जैसे जो आपका लाभ या फिर जो सुविधा है, वो सुविधा क्या क्या हो सकता है, तो सुविधा हो सकता है जैसे आवास भत्ता। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अंतर है इसमें, एक में लाभ मिल रहा था, एक में शामिल नहीं था, लेकिन एक में क्या लाभ मिल रहा है। इसमें हो सकते हैं जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका आवास भत्ता है, आवास भत्ता, ठीक, अवकाश, अवकाश, ठीक ठीक है, चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, ठीक है, बोनस इत्यादि, बोनस इत्यादि जो भी है इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसीलिए इनको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सुकर मजदूरी बोलते हैं, ठीक है। और ये जितने भी लाभ होते हैं वो क्या करते हैं, उस श्रमिक के जो जीवन स्तर है उसको उठाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। जितना भी इनको जो लाभ मिल रहा है, जो सुविधा मिल रहा है, ये क्या कर रहा है कि जो उनका जीवन स्तर है ना मजदूरी का, जो मजदूर होते हैं, ठीक है, जो मजदूर होते हैं, मजदूर होते हैं, इनका इनका जीवन स्तर को क्या होता है, उठाने में सहायक होता है। इनका जीवन स्तर बनाए रखने में भी सहायक होता है, जीवन स्तर उठाए या बनाए, ठीक है, बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है, सहायक होता है। इस बात को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों में अंतर था, इसमें किसमें, टाइप्स ऑफ बेसिस में। पहला आपका नॉमिनल बेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य मजदूरी या वेतन। दूसरा होता है आपका रियल बेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं सुकर मजदूरी या वेतन, ओके। ये थोड़ा सा अंतर था कि जो आपका सामान्य मजदूरी होता है उसमें जो मजदूरी जो होता है वो धन, नगद धन के रूप में दी जाती है, ठीक है, नगद धन के रूप में दी जाती है, और इसमें कोई भी आपका लाभ या भत्ता शामिल नहीं होता है, समझ में आया। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट की बात करें, जो आपके सुकर मजदूरी होता है उसमें जनरली क्या होता है कि श्रमिकों को जो भी आपका अतिरिक्त पैसा तो मिल ही रहा है, उसके अतिरिक्त भी क्या होता है, इनको जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे आवास भत्ता, अवकाश, चिकित्सा भत्ता, बोनस इत्यादि सुकर मजदूरी कहलाते हैं इस सब के सब, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं न्यू पॉइंट पे, न्यू पॉइंट हम लोगों का है, न्यू पॉइंट है आपका कि मजदूरी भुगतान की पद्धतियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, मजदूरी भुगतान की पद्धतियां, मजदूरी भुगतान की, भुगतान की पद्धतियां, ठीक है, पद्धतियां कि सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट, सिस्टम्स ऑफ वेजेस पेमेंट, ठीक है, इनको दो आधारों में क्लासिफाई किया गया है, इनको दो आधारों पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका इसमें, पहला है आपका समय दर भुगतान, समय दर भुगतान, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, भुगतान को सही से लिखा पाया है, भुगतान। और दूसरा आपका होता है कार्य दर भुगतान, कार्य दर भुगतान, ठीक है गाइस, ये आपके दो होते हैं, क्लियर। इसमें आपकी बात करते हैं, पहला इन पद्धतियों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में आपका पूछा भी है, ठीक है, आपके बीटी बोर्ड के जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं ना उसमें पूछा है क्वेश्चन। पहला इसमें जो आपका है, पहला है समय दर भुगतान पद्धति, समय दर
भुगतान पद्धति, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में जो श्रमिक लोग होते हैं, ठीक है, उनको इकाई समय की दर से मजदूरी का भुगतान किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रति घंटा, प्रति घंटा, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, दिन में जाएगा आपका, ठीक है, घंटा, दिन, सप्ताह और आपका महीना, आपका महीना, ठीक है, ओके। चलिए इसमें क्या होता है, मजदूरी का हम लोग जनरली भुगतान करते हैं इकाई से। और इस दौरान जो आपका समय दर भुगतान होता है, इसमें क्या होता है कि इस अवधि में या फिर इस दौरान उसके द्वारा किए गए कार्य की, जो भी कार्य होता है किए गए कार्य की पैमाइश, पैमाइश का मतलब होता है, पैमाइश का मतलब होता है माप तौल, माप तौल, ठीक है, नहीं की जाती है, नहीं की जाती है, ठीक है। परंतु ध्यान देने वाली बात है, परंतु प्रगति का संतोषजनक, परंतु परंतु प्रगति का संतोषजनक होना जरूरी है। ये जो आप प्रगति जो प्रवेश हो रहा है उसका जो है संतोषजनक होना जरूरी है, ठीक है, होना जरूरी है, होना जरूरी है। और ये जो पद्धति है आपका पुराना भी है, ठीक है, थोड़ा प्रचलित भी है, ठीक है, ओके। एक छोटा सा नोट लेंगे इसमें हम, जो फाइनली कंक्लूजन निकल कर आया आपका समय दर भुगतान में, इसमें आया कि इस पद्धति में, इस पद्धति में कार्य के परिमाण की अपेक्षा, कार्य के परिमाण की अपेक्षा, परिमाण की या फिर के की अपेक्षा लिख सकते हैं, के लिखिए, परिणाम के अपेक्षा कार्य की मानकता पर, कार्य की मानकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इस बात का है जो कंक्लूजन निकल के आता है समय दर भुगतान पद्धति से, कि इस पद्धति में जो कार्य का जो परिमाण होता है के अपेक्षा कार्य की जो मानकता होती है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ओके, या कह सकते हैं अधिक ध्यान दिया जाता है। ये हो गया आपका समय दर भुगतान, जो कि क्या होता है आपका जो श्रमिक को जो जनरली जो मजदूरी दिया जाता है वह इकाई समय में दिया जाता है, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति महीने के हिसाब से, ठीक है। ये आपका होगा था समय दर भुगतान। अब बात आती है बात आती है आपका सेकेंड कार्य दर भुगतान पद्धति, कार्य दर भुगतान पद्धति, ठीक है, कार्य दर भुगतान पद्धति, क्लियर है, ओके। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में
ध्यान से देखिएगा, इस पद्धति में पूर्ण किए गए कार्य, इस पद्धति में पूर्ण किए गए कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर श्रमिक को भुगतान किया जाता है, ठीक है, कार्य के आधार पर, इसलिए इसको जनरली हम लोग बोलते हैं कार्य दर भुगतान, ठीक है। इस बात को लोग समझ गए होंगे आई होप कि इस पद्धति में जो पूर्ण किए गए कार्य होते हैं, जॉब के आधार पर हम लोग जनरली जो श्रमिक होते हैं उनको भुगतान करते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जो कार्य की अवधि होती है उस पर विचार नहीं करते हैं, ठीक है। इस पर जो कार्य की अवधि होती है उस पर विचार नहीं किया जाता है, परंतु कार्य की जो गुणता होनी चाहिए वो स्वीकार होनी चाहिए। देखो मेन बात है क्या, आपका जो ड्यूरेशन है, अवधि है कार्य की, उस पर विचार तो नहीं करेंगे, उस पर कोई डाउट नहीं, उस पर कोई विचार नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन कार्य की जो गुणता है ना, जो कार्य की गुणता है, कार्य की जो गुणता है वो स्वीकार होना चाहिए या उसको बनाए रखना चाहिए, ठीक है। और जो कार्य दर का निर्धारण किया जाता है वो आपको मैं बता दूँ, अनुभव के हिसाब से ही किया जाता है, ठीक है। जैसा अनुभव आपका रहेगा वैसा आपका इसमें काम आएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हम लोग एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम पूछता है, देखिए हम लोग दोनों मदद पढ़ें, अगर डिफरेंस लिखना चाहो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो, नो डाउट, डिफरेंस तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कि इसमें काम के आधार पर भुगतान किया जाता है, उसमें समय इकाई दर के हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अंतर वहाँ लिख सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ थोड़ा सा एक प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर वे में पढ़ेंगे कि इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। जब भी डिफरेंस पूछा जाता है तो आप लिखने का तरीका यही होता है कि बीस अंडर को लाइन खींचिए, ठीक है, और एक साइड लिखिए आपका पहला मेथड, यानी कि समय दर भुगतान, या आपका समय दर भुगतान होता है वन साइड, और वन साइड लिखिए कार्य दर भुगतान, कार्य दर भुगतान। इस बात को समझना, वन साइड लिखिए, लेफ्ट साइड लिखिए समय दर भुगतान, ठीक है, और जो राइट साइड है उस साइड लिखिए कार्य दर भुगतान। इन दोनों को क्या करना है आपको, वन साइड लिख करके, और जो आपको जितना भी पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट को आप पॉइंट वाइज बना कर लिखते जाइए, एक पॉइंट यहाँ लिखिए तो एक पॉइंट यहाँ लिखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखिए तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिखिए, इसके बारे में यहाँ जैसा तीसरे पॉइंट में बोला गया वैसा तीसरा पॉइंट यहाँ भी कुछ कुछ कंक्लूजन निकल कर आएगा, चौथा पॉइंट जैसे यहाँ हमने बोला है इसे यहाँ भी आया, पाँचवा इसी तरह पाँचवा हम निकल कर आएगा। कहीं ना कहीं हमें क्या होगा कि ये समझ में आ जाएगा जब कोई कॉपी चेक करता है कोई एग्जामिनर, ठीक है, तो फिर ये आसानी होती है। आसानी ये होती है कि वो देखते हमें पता चल जाएगा कि बच्चे ने वास्तव में बहुत ही अच्छे तरह से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, दोनों का अंतर बहुत आसानी वे में समझा दिया है, यानी कि इसको अच्छे से नंबर मिलने चाहिए, ठीक है, और अच्छा राइटिंग होगा तो और बेटर है, ठीक है। तो आपको इस बात को समझ लेना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अब जो हेडिंग होगा हम लोगों का यही होगा कि समय दर तथा कार्य दर भुगतान पद्धतियों में तुलना, भुगतान पद्धतियों में तुलना, ठीक है। इन क्या करेंगे इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि जो समय दर होता है या फिर जो कार्य दर भुगतान होता है इन पद्धतियों में क्या बेसिक अंतर हो सकता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, उसके पास और भी टॉपिक हैं तो और भी जो जितने टॉपिक बचे हुए हैं हम लोग उसको नेक्स्ट में ही इसको क्या करेंगे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ओके। थैंक यू वेरी मच।